पीयूष दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पीयूष जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना सर। नमस्कार जी सर, मेरे पास 300 शेयर गुजरात गैस के हैं, आई बॉट एट 453 रुपीज़। क्या करना है इसको? आई कैन होल्ड फॉर लॉन्ग ऑल्सो और मतलब प्रॉफिट जो या बुक करना है प्रॉफिट लॉस। सरवन जी क्या किया जाए गुजरात गैस में, 452 पे इन्होंने लिए, 453 पे, 425 चल रहा है, नुकसान बुक करें या प्रॉफिट के लिए इंतजार? नहीं देखिए, काफी लेट हो गए हैं, आई थिंक इन्होंने पहले लिया होगा तो इनके काफी अच्छे पैसे भी बन रहे होंगे, बट आई थिंक काफी वेट कर लिया इन्होंने। आई थिंक अब यहाँ पे इन भाव से तो मुझे लगता है कि भाई मोटा मोटी 700-750 वाली चीज मोटा मोटी नीचे में एक अच्छा 400 तक का करेक्शन देके बैठी है। मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर करेक्शन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कंप्लीट हो रहा है, स्टॉक अच्छा है, मेरे हिसाब से तो इनको बने रहना चाहिए, थोड़ा इसको टाइम दे दें, 9-12 महीने दे दें, आई थिंक पैसे भी बनेंगे और भाव भी आएगा और 10-15% का इनको कमाई भी हो सकता है। बट मेरा थॉट खाली यही है कि भाई इसको तकरीबन 400 के आसपास बड़े अच्छे सपोर्ट से 390-400, तो वो रेंज इसके लिए होल्ड करना नेक्स्ट एक महीने बहुत जरूरी है। तो किन्हीं कारणों से एक महीने में अगर वो रेंज टूट रही है तो दोबारा राय ले लें या उस समय एग्जिट कर लें, बट फिलहाल बने रहें एक महीने के लिए 390 के नीचे स्टॉप लॉस रख के, 390 के नीचे स्टॉप लॉस, अदरवाइज बने रहिए, इसमें पैसे बन सकते हैं। अगला सवाल है प्रभाकर का मुंबई से। प्रभाकर जी नमस्कार, पूछिए सवाल सर। नमस्कार सर, भरपूर बहुत दिन के बाद मेरे को कॉल मिला है। मेरा एक दो सवाल है, एक तो एसडब्ल्यू सोलर है मेरे पास, 293 की बाइंग है, और दूसरा डीबी रियल्टी 141 का बाइंग है। सरवन जी एसडब्ल्यू सोलर 1000 शेयर 393 पर, देखिए बहुत ज्यादा बढ़िया शेयर मेरे फेवरेट लिस्ट में तो नहीं है, मतलब रेगुलर कवरेज में नहीं है यहाँ पे। आई थिंक देखिए मैं तो उनको यही बोलूंगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग राय इनको नहीं दे पाऊंगा, फिलहाल रेंजेस दे देता हूँ। मुझे लगता है कि नीचे में तकरीबन इसको 290-300 के आसपास बढ़िया सपोर्ट्स हैं उस एरिया में और 400 के आसपास दम तोड़ देता है, तो बेसिकली आप मान के चलिए 300-400 की रेंज है इनके लिए यहाँ पे जो मैं बताऊंगा इनको, और फिलहाल रेंज के लोअर एंड पे चल रहा है तो बने रहें। ओके, और वो डीबी रियल्टी? डीबी रियल्टी राइट। देखिए रियल्टी स्टॉक्स और रियल्टी इंडेक्स में जब तक फ्लेवर है और अच्छा चल रहा है आई थिंक बने रहे, एग्रेसिवली यहाँ पे पीछे से लेवल्स को ट्रेल करते रहे। मेरे हिसाब से जो दो लेवल्स मुझे डिसेंट नीचे की तरफ दिख रहे हैं, वो एक तो पहला है जो थोड़ा मीडियम टर्म लेवल है वो 140 के आसपास है, और अगर एक शॉर्ट टर्म टाइट स्टॉप लॉस ही रखना चाहें तो तकरीबन 160 के नीचे, तो आई थिंक 158-140 का एक स्टॉप लॉस टाइमिंग के लिए रखें और ट्रेड में बने रहें डीबी रियल्टी में। जी चलिए अब चलते हैं इसराइल, जहां पे मेरी सहयोगी और